बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नियाज खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ लैंड पाकिस्तान। दोस्तों इस टाइम हम मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़े हैं, मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्काई गार्डन्स। ये फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है नया पाकिस्तान। ये सोसाइटी आज हम इसको रिव्यू करेंगे। बड़ी अच्छी लोकेशन पे है और ख़ूबसूरत व्यू नज़ारे है यहाँ पे। आज इस सोसाइटी को हम रिव्यू करेंगे कि इसमें प्लाट्स की कटिंग्स क्या है और इसकी डेवलपमेंट कैसी है और यहाँ पे रेट्स क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। कैमरे की आंख से हम सोसाइटी आपको दिखाएंगे भी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो हर कोशिश आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए आपको विज़िट कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस टाइम हम स्काई गार्डन में मौजूद हैं। ये सोसाइटी पहले एक प्राइवेट सोसाइटी थी स्काई गार्डन के नाम पे, मगर इनकी एफिलिएशन हो गई है फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के साथ। फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने, आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी को ख़रीद लिया है और ये अभी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाउसिंग अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी है। इस सोसाइटी, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, हर तरफ ग्रीनरी है, पहाड़ों के ऊपर है और रोड्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे जो है ना डेवलप रोड है और व्यू बड़ी खूबसूरत है। इस सोसाइटी में अगर हम इसकी रेट्स की अगर हम बात करें तो 5 मरले प्लाट यहाँ पे 16 से लेकर 18 तक मिल जाता है और 10 मरले का प्लाट मिल जाता है कोई 20 से 25 के आसपास, कनाल का प्लाट मिल जाता है कोई 35 से 40 के आसपास, जो दो कनाल है वो चंद एक प्लाट है जो कि 60 के आसपास मिल जाते हैं। ये सोसाइटी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाउसिंग सोसाइटी और इसमें नया पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट भी है। ये सोसाइटी की सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो इसकी सराउंडिंग में एक साइड पे बहरिया का गोल्फ सिटी है जो कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और दूसरी साइड पे ये बहरिया एग्रो फार्म्स है, वो भी एक महंगा प्रोजेक्ट है और ये मेन मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर वाक़ है। तो अगर आप लोग इस्लामाबाद से यहाँ पे आना चाहे तो टोटली 0 पॉइंट से यहाँ तक आने में आपको 30 मिनट लगते हैं, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे आप मरी का मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं और इस्लामाबाद की फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सोसाइटी आप इसको कह सकते हैं।